हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। तो बच्चे रात जो है काफी लेट सोए थे और अभी सिमरन भी आ चुकी है, तो इनकी पार्टी जो है वो तगड़े वाली होगी। और अभी मैंने पूजा पाठ की, सूर्य देवता को जो है जल अर्पित कर दिया और बहुत अच्छी वाइब शक्ति है जो भी सुबह पूजा करते हैं। और हमारा कचर भी हमारा नहा चुका है, कद्दू कचर कचर कद्दू। मम्मी ने उठी जब मंदिर में लेके चलेंगे और एकदम मम्मी गुड मॉर्निंग में उठी मैं जाऊंगी मंदिर में। और तो मैंने कहा मैं गुड्डू उठ जा मंदिर में चली जाइयो, तो यह क्या कह रही मैं तो उठ रही है अब नालू में, तो और नाली सबसे पहले। अभी हम लोग रेडी है मंदिर में जाने के लिए। और कौन कौन रेडी है? मैं और पापा जी तो बिल्कुल एकदम सबसे पहले है ना। पापा जी आज सबसे पहले हो गए वाके में। और मैं आरुष, आरुषी, नंदिनी और इधर हमारे चाचा जी। मुझे लगता है पूजा की थाली भी अपने आप ही ले जानी पड़ेगी शायद। स्वामी जी थोड़ी बात तैयार करेंगे। मैं पूछ रही थी ना आपसे सामान के क्या लेना, बास्केट में तैयार कर लेंगे सारे सामान। हाँ, उसमें रख लेंगे है ना, दिया बाती रोली जो भी चीज है उसमें, चुनरी। नई गाड़ी की पूजा करवाएंगे आज मंदिर में ही, और भगवान जी को थैंक यू भी बोल के आएंगे बहुत बहुत सारा। चलो अभी सामान तैयार कर लो पहले। मम्मी मुझे बता दो क्या क्या ले जाना, बास्केट खाली करी उसमें कर दो सारा सामान। तो अभी बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल रेडी। हाँ क्या कह रहा हूँ, मुझे सब चीज बता, गियर क्लच और सब एक्सीलेटर सब पता है, लेकिन कह रहा कि मेरे पास स्टीयरिंग नहीं मुड़ता। एक गियर से स्टार्ट हो गया पहले गियर से, और हैंड ब्रेक किधर हो? मैं लेफ्ट हैंड पे, राइट हैंड पे, लेफ्ट हैंड पे। 18 साल का हो जाना इसका ड्राइविंग लाइसेंस। मैं कह रहा कहीं बैठ कर जाऊंगा मैं और मैं चलाऊंगा। मैंने कहा बेटा अपने पापा जी जितना हो जाए, 11 साल बाकी है, 7-8 साल का तो बनवाना है। तो अभी हमारी गाड़ी खड़ी है रोड पे और पूजा का सामान और मिठाई ले ली। पीछे ना काम चल रहा है कुछ कंस्ट्रक्शन का, तो वहाँ पे ना मटेरियल पड़ा हुआ था रोड पे, इसलिए हमने बाहर ही खड़ी कर ली थी। और आगे आगे चले गए देखो लोग, मैं भी जा रही अब। ये आगे गाड़ी हमारी, चलो उसमें चलेंगे। वो बैठ गया आगे, आगे बैठेगा। चलो अरे बैठ जाओ, बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ। नंदिनी तो ड्राइविंग करेगी, तो आओ तो इधर यहाँ पीछे आओ, देखो कितनी जगह है पीछे बैठक रहे बच्चे। चलो हाँ तीर्थी में बैठे थी, ये देखो इसका पता नहीं चल रहा था बैठे ड्राइविंग कर रहे हैं पापा जी। चलो जय श्री राम, तो भाई गाड़ी लेकर इन्हें ही भेज दिया था। वैसे तो मैं माँ को बोल रही थी, माँ बोली कि गांव में तो यही चले जाएंगे, फिर हम सब लोग जो है इकट्ठे होकर जाएंगे शाकुंभरी माता के यहाँ पर। तो जब तक दोनों बहनें भी आ जाएगी, सार्थक के पेपर हो जाएंगे। क्या बता रहे आप? अच्छा, और जब गाड़ी बंद हो जाए और हम कहाँ जा रहे हैं? अच्छा पहले देवताओं को जाओ, पहले भाई देवी देवताओं की पूजा में है मेरा पहला इस पर रोड, और मैं चलती हूँ उसे लेके भाई अपने घोड़े को, बच्चे मेरे साथ में हैं। तो सबसे पहले भगवान की पूजा और उसके बाद में काम धोजा, जब चलेंगे इसको कहीं रोड पे लेके। तो ये सबसे पहले जाएंगे अपने कुल देवताओं पर, तो अपने बड़ों का आशीर्वाद भी लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनका आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे हम सब पर। तो सबसे पहले आ गए हम अपने देवताओं पर, पहले यहाँ प्रसाद चढ़ाएंगे फिर चलेंगे आगे। खिड़की आरुष भी आ गया। नंदू कहाँ है? वो ले रही थी बास्केट। हाँ जी, आज पानी नहीं लाए अभी वहां से, गाड़ी बैक करके ला रहे देखो, क्योंकि यहाँ ना मोड़ नहीं था तो थोड़ी दूर जाना पड़ा यहाँ से। उसके बाद प्रसाद चढ़ाएंगे आके,
कितना अच्छा व्यू लग रहा है, एकदम प्रकृति की छाँव में है हमारे कुल देवता। इन्होंने गाड़ी को बैक करके जो है यहाँ पर लगा लिया था। और ये देखिए आरुष, आरुषी और नंदिनी, सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट नंदिनी के मन में है। वो सोचती है पापा की गोद में बैठूंगी, कहीं मैं घर पर ना छूट जाऊं। तो दोनों भाई ये पूजा पाठ करने के लिए पूरे गांव की परिक्रमा जैसे होली दिवाली को करते हैं, तो इस तरीके से मैंने बोला था इनको कि पूजा पाठ हर जगह करके आना। देखो भाई सबका आशीर्वाद है और मेहनत भी है इसमें। तो यहाँ पर तो प्रसाद चढ़ा दिया, अब आगे चलते हैं। देखो सबको छू के आएगी। चलो चलो पैर चल गए। गर्म हो रहा है बहुत, धूप हो रही ना तेज। चलो नंदू आराम से चलो, नहीं पीछे कोई नहीं बैठना। अभी वहाँ पे प्रसाद चढ़ा के हम चल दिए मंदिर की तरफ। अभी आ गए हैं भूमिया खेड़े पे, यहाँ पे इसके बाद प्रसाद चढ़ाएंगे। चलो आरुष, नंदू आरुषी आराम से। तो अभी पहुंच गए हैं अपने गांव की भूमिया खेड़े पर। अब यहां पर पूजा पाठ करेंगे। परिक्रमा जब करते हैं तो सभी देवी देवता चारों तरफ को हैं पूरे गांव के, तो सबके दर्शन हो जाते हैं और सबका आशीर्वाद भी हम लोग ले लेते हैं। तो मिठाई का प्रसाद बच्चे चढ़ा रहे हैं और इस टाइम यहां पर तो कोई नहीं मिलेगा, खाली रहता है। शनिवार के दिन भीड़ रहती है यहाँ पर, तो हर जगह प्रसाद चढ़ा दिया है। अच्छे तरीके से विधि विधान से पूजा पाठ कराई है हमने, चढ़ा दिया प्रसाद और अब चलेंगे माड़ी पे। चलो अब माड़ी की ओर चलेंगे। यहाँ पे एक और मंदिर है, इसमें भी चलते हैं। चलो प्रसाद चढ़ाने। भूमिया खेड़े के पास में ही एक और शिव मंदिर है, तो अभी ये लोग जाएंगे वहाँ पर। और संजय जी को ड्यूटी भी जाना है, हम लोग खाना बना रहे थे इस करके फिर मैंने सोचा कि मेरे जाने से जो है काम नहीं चलेगा। गर्मी ज़्यादा है, खाना भी जल्दी बनाना होता है, घर के और भी बहुत सारे काम हैं देखो, तो इस वजह से। नहीं तो मेरा बहुत मन था कि हम दोनों जाए साथ में पूजा पाठ करके आए, लेकिन ये दोनों भाई गए तो और भी अच्छा रहा। क्योंकि अरविंद भैया तो देखो ये छुट्टी का मौका है, तो बच्चों के साथ में सब फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड करते हैं, उनके लिए यही मौका मिल पाता है। और नंदिनी देखिए, जो जैसे जैसे पूजा उसके पापा करते हैं वैसे ही हमारी नंदिनी करती है, इतनी ज़्यादा एक्टिव है, बहुत ज़्यादा एक्टिव है। बस ऊपर वाले के आशीर्वाद से, आप लोगों के सपोर्ट से, और मैं आप सबका भी बहुत बहुत अपनी YouTube फैमिली का भी धन्यवाद कहना चाहूँगी। एक दो नेगेटिव भी बोलते हैं तो चलता है, कोई नहीं। अभी यहाँ पे प्रसाद चढ़ा दिया, इसके बाद अब चलेंगे गाड़ी पे और उसके बाद फिर जो मेन मंदिर है उसमें पूजा कराने। वैसे पूरे गांव की परिक्रमा होगी, क्या बोलते हैं, परिक्रमा होगी। चलो ये बीच में बैठेगी। तो ये है हमारे गांव की माड़ी, जिसे हम आपके साथ में कई बार दिखा चुके हैं, दर्शन करा चुके हैं। और ये देखिए पति देव के चेहरे की खुशी का ठिकाना नहीं, कितने अच्छे से पूजा पाठ कर रहे हैं हर जगह जाकर। और माड़ी पर भी कोई नहीं है इस टाइम, क्योंकि थोड़ा सा लेट हो गए थे ये लोग। पहले सोच रहे थे जो कन्याओं से पूजा थी वो सेवल वगैरह करवाते हैं हमारे यहाँ पर, कोई भी चीज़ लेते हैं जब भी तो कन्याओं से कराते हैं, अपने घर की सारी लड़कियों से, तो वो शाम के टाइम ही हो गई थी। मंदिर में फिर शाम के टाइम आए नहीं गया। और यहाँ ये पानी पियेंगे, सबको प्यास लग गई। क्या कह रही है, बहुत सारा पिएगी। हे भगवान, बैठ गई। अभी आ गए मंदिर के बाहर, गाड़ी लगाएंगे और अब उतरेंगे। चलो भाई नंदू उतरो आराम से। ये हमारे गांव का मंदिर जहां पर बहुत ही रौनक लगी रहती है, सुबह शाम बहुत ज़्यादा भक्त गण जाते हैं यहां पर दर्शन करने के लिए, माथा टेकने के लिए। और आज आपको इसमें भी पूरे दर्शन करा देते हैं, दिखा देते हैं। तो इस टाइम जो है गुड्डू गई थी अपने पापा के साथ में, उसने सब कुछ रिकॉर्ड किया था। ये है गुरुजी महाराज जो पहले यहाँ पर रहते थे। तो देखिए नंदिनी को बता रहे हैं, जैसे जैसे हम करते हैं बच्चे वैसे ही सीखते हैं जो भी हम उन्हें सिखाते हैं। तो अभी जब वो यहाँ पर स्वामी जी रहते हैं, उनसे जो है अच्छे से प्रसाद चढ़ाने के बाद में अपनी गाड़ी की पूजा पाठ ये लोग कराएंगे। राधा कृष्ण और सीता राम, ये देखिए सबकी। तो ये हमारे गाँव के मंदिर के स्वामी जी हैं, इनसे पूजा पाठ करा दी है अभी इन्होंने। तो जी कन्याओं ने तो करी दी थी घर पर, लेकिन अपने गांव के मंदिर में भी जाना चाहिए, फिर जाएगी पूरी फैमिली इकट्ठी होकर शाकुंभरी धाम। तो
तो अब बस ये घर वापसी होंगे और फिर संजय जी का चलने का भी टाइम हो जाएगा क्योंकि उन्हें जाना था सीधे यहाँ से ड्यूटी। तो बहुत अच्छा लगता है जब कोई हम बड़े काम करते हैं, देखो हमारे लिए तो बड़े हैं, मिडिल क्लास फैमिली की जो सोच होती है वो अपने तक सीमित रहती है कि बस गुजारा चलता रहे इस तरीके से। तो चलो भाई ये काम भी हो गया और गुड्डू के पापा का ये ड्रीम था कि हमें एक गाड़ी लेनी है, वो भी बड़ी लेनी है, तो उन्होंने आज ये ड्रीम जो है सबके सपोर्ट, अपनी फैमिली के सपोर्ट, आप सबके सपोर्ट से पूरा कर लिया है। और भाई साहब की खुशी देखे नेक्स्ट लेवल, और बार बार बच्चों को ये बोल रहे थे कि क्या खाओगे तुम लोग, क्योंकि पार्टी आज उनकी तरफ से ही चलने वाली थी और इन्हें ढूंढते ढूंढते ये चले गए थे मंदिर में ही। वैसे घर यहाँ से मंदिर से नज़दीक पड़ता है, फिर ये घेर में गए थे कि सब लोग कायम ने कहाँ भी पूजा कराने के लिए गए हुए हैं। तो सारे बच्चों को जो है प्रसाद मिल चुका है अच्छे से, बच्चे भी खुश हैं तीनों जाकर। और चिंकी गई नहीं थी, एंजल, सिमरन, चिंकी वो सब जो है खेल में इंटरेस्ट रख रहे थे ज़्यादा, तो आशीर्वाद भी ले लिया है इन्होंने। पूजा पाठ सारी हो गई पूरे गांव में, सारे मंदिरों में, देवताओं पे, भूमिया पे, माड़ी पे। चलो चाचा जी पीछे चले गए। बोल शंकर भगवान की जय। जब गाड़ी खुलेगी ना, बंद हो गया जब खुला खिड़की। लो मम्मी अंगूर के ले। पूरी बढ़िया चलाई मोड़ी भी अप मोड़ पे ठीक सी नहीं एकदम, तो थोड़ी आज कपड़े हैं बहुत ज्यादा और बिंदी चली गई है पसीनों में बहुत ऊपर मत्थे के इसमें आईब्रो के बीच से, तो कपड़ों की धुलाई में लगी हुई थी और हाथ जो है दुखना लगा यहाँ से, इस उंगली में दर्द रहा है ना, सूज रही है मेरी उंगली। और अभी लाइट भी चली गई, लाइट दो बार चली गई बीच में, और इसी बीच में अब लगाते हैं हम पोचा। बच्चों को सबको भेज रखा है नए घर में, मैंने कहा भाई तुम यहाँ खेल लो जब तक हम इधर की साफ सफाई कर देते हैं मैं और प्रीति। तो गाइस आज आ गई है हमारे घर में ये टन वाले आम, इनका बनाया गया अचार, क्योंकि सब्जी तो इनकी कोई खास लगती नहीं लेकिन ये अचार वाली है आम, शाम के टाइम इन्हें काट कर रचा कर रखेंगे।